हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू बिगनर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का सेशन रहने वाला है क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर किसी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक अपने बिगनर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लें। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, क्रॉप्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की क्रॉपिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो तीन तरीके का क्रॉपिंग पैटर्न रहता है हमारे यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। पहला आ गया हमारे पास खारिफ क्रॉप, सेकेंड वन आ गया रॉबी क्रॉप, एंड थर्ड वन आ गया हमारे पास जैद क्रॉप, ठीक है। खारिफ क्रॉप की अगर हम बात करें तो खारिफ क्रॉप जो होते हैं मैक्सिमम जून जुलाई में क्या किए जाते हैं, सोन किए जाते हैं। और इन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है इन्हें सितंबर और अक्टूबर के टाइम पीरियड में, मतलब कि समर के टाइम पे इन्हें सोन किया जाता है एंड विंटर के टाइम पे इन्हें क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। खारिफ क्रॉप को क्या बोला जाता है? समर और मानसून क्रॉप भी इसे हम बोल सकते हैं, ओके, ठीक है। बढ़ते हम अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे राइस हो गया, मेज़ हो गया, कॉटन, जूट, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे कौन से क्रॉप की, हमारे खारिफ क्रॉप की। तो बढ़ते हैं खारिफ क्रॉप की एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्रॉप है हमारी खारिफ क्रॉप में से, वो आ गया हमारे पास राइस, ठीक है। राइस जो है आप लोग जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं राइस का यहाँ यूज़ करते हैं। और स्पेशली अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर वैली के लोगों का राइस क्या है, हमारे पास स्टेपल फूड रहता है, ठीक है। कश्मीर वैली के लोगों का राइस क्या है? स्टेपल फूड है। अगर हम कल्टीवेशन की बात करें तो राइस कल्टीवेशन के लिए जो हमारे पास क्लाइमेट की बात करें तो हमें रिक्वायर्ड होता है हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट। तो आपको पता है जून जुलाई वाला जो टाइम पीरियड होता है हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हॉट क्लाइमेट रहता है और मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है। तो इसलिए जून जुलाई वाला टाइम जो है अच्छा रहता है हमारे किसके लिए, राइस के लिए, ठीक है। तो आपको पता चल क्या हो गया कि राइस के लिए हमारे पास जो क्लाइमेट की रिक्वायरमेंट है कैसी रहती है, एक तो हमारे पास हॉट क्लाइमेट होना चाहिए एंड सेकेंड वन मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, मतलब उसे मॉइस्चर ज़्यादा रहना चाहिए, ठीक है। और राइस जो है स्टेपल फूड है हमारे कश्मीर वैली के लोगों का, ठीक है। उसके बाद देखें हम, तो पहले जो है ना राइस बोल कुलगाम को माना जाता था राइस बोल ऑफ कश्मीर, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी क्वालिटी का राइस कुलगाम में ही होता था, ठीक है। अर्लियर पहले की बात कर रहा हूँ, बट अब इसे चेंज करके, और चेंज क्यों हुआ? चेंज हुआ ड्यू टू श्रिंकिंग इन राइस प्रोडक्शन। राइस प्रोडक्शन जो कुलगाम की थी वो क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई, और इस वजह से अब पुलवामा को माना जाता है हमारा राइस बॉल ऑफ कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब पुलवामा को क्या माना जाता है, हमारा राइस बॉल ऑफ कश्मीर माना जाता है, ठीक है। राइस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा क्रॉप अगर कोई यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में तो वो कौन सा क्रॉप प्रोड्यूस किया जाता है, राइस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें क्वेश्चन भी आपसे वो पूछ सकते हैं, विच क्रॉप जे एंड के इज़ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप, एंड द आंसर विल बी राइस, ठीक है। आरएसपुरा की अगर हम बात करें तो आरएसपुरा जो फेमस है ना वो किस चीज़ के लिए फेमस है, हमारा बासमती राइस के लिए फेमस है, क्योंकि इसके ऊपर पहले भी जे के एस एस बी क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारे लिए। आरएसपुरा जो है बासमती राइस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर हम लोकल बासमती की बात करें, अगर हम आरएसपुरा या फिर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जो बासमती राइस के लिए ना वो जम्मू रीजन जो है वो ज़्यादा फेमस रहता है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम राइस प्रोडक्शन की बात करें तो हमारा पुलवामा माना जाता है राइस बोल ऑफ कश्मीर, बट अगर हम स्पेशली बात करते हैं बासमती की तो बहुत पॉपुलर वैरायटीज़ जो बासमती की है ना वो ग्रो की जाती है हमारे आरएसपुरा में, बिश्ना में, जम्मू में। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास लोकल बासमती हो गया या फिर बासमती 370, ये कुछ इम्पॉर्टेंट वराइटीज़ हैं हमारी किसकी, बासमती की, जो कहाँ ग्रोन की जाती है, हमारे आरएसपुरा में, बिश्ना में, जम्मू, अखनूर, सांबा और कठुआ में। और अगर कुछ और वराइटीज़ की बात करें हमारे जो जम्मू रीजन में ग्रो की जाती हैं वो कौन कौन सी हमारे पास, वो है हमारे पास रणबीर बासमती, ठीक है, सांवल हाइब्रिड PHB 71 और पूसा 2511। ये इंपॉर्टेंट वराइटीज़ हैं, इन्हें आप याद रखेंगे क्योंकि इनसे बहुत बड़ी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। और अगर हम उसके बात करें और जगहों पे जहाँ पे राइस को ग्रो किया जाता है, वो है हमारे पास अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा एंड श्रीनगर,
ये कश्मीर की कुछ जगहें हैं जहाँ पे राइस क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो 22 से 32 डिग्री सेल्सियस का हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है राइस के लिए। और अगर बात करें हम हाई ह्यूमिडिटी की, पहले भी बता चुका हूँ, रेनफॉल की बात करें तो 150 से लेकर 300 सेंटीमीटर तक का हमारे पास क्या है रिक्वायरमेंट रहती है रेनफॉल की। तो राइस के बारे में हमने क्या पढ़ा, राइस के बारे में हमने पढ़ा राइस जो है जून जुलाई में क्या किया जाता है, सोन किया जाता है, सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। टेम्परेचर हमारे पास, क्लाइमेट हमारे पास हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, राइस जो है कश्मीर के लोगों का स्टेपल फूड है। पहले कुलगाम को राइस बॉल ऑफ कश्मीर बोला जाता है, बट अब किसको बोला जाता है, पुलवामा को राइस बॉल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। राइस जो है वो हाईएस्ट प्रोड्यूस्ड क्रॉप है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का। आर एस पूरा सबसे ज़्यादा जाना जाता है बासमती राइस के लिए, जैसे कि लोकल बासमती, बासमती 370 और कुछ और वैरायटी जैसे कि रणबीर बासमती सांवल हाइब्रिड, PHB 71 और पूसा 2511। कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, अच्छी वैरायटीज़ हैं हमारी बासमती राइस की, जो जम्मू रीजन में ग्रो की जाती हैं। और कश्मीर रीजन की बात कर रहे हैं तो अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा एंड श्रीनगर कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर राइस को ग्रो किया जाता है। टेम्परेचर की बात करें तो 22 से 32 डिग्री सेल्सियस विद हाई ह्यूमिडिटी का टेम्परेचर रिक्वायर्ड रहता है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस। और अगर हम रेनफॉल की बात करें तो 150 से 300 सेंटीमीटर का रेनफॉल हमें क्या रहता है, रिक्वायर्ड रहता है राइस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्रॉप। सेकेंड की बात करें अगर हम, तो सेकेंड वन आ जाता है हमारे पास मेज़, ठीक है। जैसे मैंने कहा राइस जो है स्टेपल फूड है हमारे किन लोगों का, हमारे कश्मीर वैली के लोगों का, वैसे ही स्टेपल फूड क्रॉप रहता है हमारे जम्मू के जो हिली एरियाज़ है ना, उनका जो स्टेपल फूड रहता है वो क्या रहता है हमारे पास, मेज़ रहता है। ये आप फोटो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम जम्मू रीजन की बात करें तो जम्मू रीजन में जब जहाँ सबसे ज़्यादा मेज़ को ग्रो किया जाता है वो कौन से एरिया है, हमारा पुंछ, रजौरी, डोडा एंड उधमपुर। क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपको कि ये जो मेज़ है ना, ये ज़्यादा हिली एरियाज़ में ग्रो किया जाता है, जम्मू रीजन के हिली एरिया में, जैसे पुंछ हो गया, रजौरी, डोडा, उधमपुर, ये थोड़े क्या है हमारे पास हिली एरियाज़ आ जाते हैं। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है मेज़ के, वो कौन कौन सी जगहें हैं, हमारा कुपवाड़ा हो गया, बारामूला हो गया, अनंतनाग हो गया, ये कुछ जगहें हैं जहाँ पे कश्मीर में भी मेज़ को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें सॉइल की तो कैसी सॉइल रिक्वायर्ड रहती है हमें मेज़ को ग्रो करने के लिए, वो रहती है हमारे पास अलूवियल सॉइल एंड रेड सॉइल, इनमें जो मेज़ है वो ज़्यादा ग्रो की जाती है, ठीक है। उसके अलावा जैसे करेवा हो गया, कांदी लैंड हो गया, ऐसी लैंड पर भी राइस को कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। राइस जो क्रॉप है ना, इसे यूज़ किया जाता है एज ए फूड भी और एज ए फॉडर क्रॉप भी। फूड जो हम लोग खाते हैं, फॉडर जो हमारे एनिमल्स के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें फूड फॉडर की तो जो ये वाला पार्ट है ये हमारे काम आ जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग खाएंगे, और जो ये वाला पार्ट है ये हमारे फॉडर के काम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम टेम्परेचर की तो टेम्परेचर जो इसके लिए रिक्वायर्ड रहता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का, और रेनफॉल 75 से 125 सेंटीमीटर की रेनफॉल रिक्वायरमेंट रहती है हमारी किसके लिए, हमारी मेज़ की ग्राउंड के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड वन, इंपॉर्टेंट वन, सैफ्रॉन। बड़ा ही ज़्यादा फेमस है हमारा यहाँ का सैफ्रॉन, ये आपको दिख रहा होगा सैफ्रॉन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस माना जाता है इसे। और सैफ्रॉन को पहली बात करें तो सैफ्रॉन को सैफ्रॉन क्रोकस भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट वन, इससे पूछा जाएगा आपको अदर नेम ऑफ सैफ्रॉन, तो इसे क्या बोला जाता है, सैफ्रॉन क्रोकस बोला जाता है। मोस्टली कहाँ ग्रो किया जाता है हमारा सैफ्रॉन, मोस्टली हमारा सैफ्रॉन जो ग्रो किया जाता है ना पम्पोर में किया जाता है, ठीक है। पम्पोर जो है ये तहसील है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की, सबसे ज़्यादा हाई ग्रेड सैफ्रॉन जो है ना, वर्ल्ड का हाई ग्रेड सैफ्रॉन कहाँ ग्रो किया जाता है, पम्पोर तहसील में किया जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, पुलवामा है। उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो किश्तवाड़, भद्रवाह जो जम्मू रीजन के एरियाज़ हैं, किश्तवाड़ और भद्रवाह, यहाँ पे भी सैफ्रॉन को ग्रो किया जाता है, बट जो हाई ग्रेड सैफ्रॉन है, जो सबसे अच्छी वैरायटी है सैफ्रॉन की, वो कहाँ ग्रो किया जाता है, हमारे पम्पोर तहसील में किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, ठीक है। उसके बाद जम्मू रीजन से अगर आपसे पूछा जाए जम्मू रीजन में कहाँ पे हमारा सैफ्रॉन ग्रो किया जाता है, तो किश्तवाड़ और भद्रवाह में ग्रो किया जाता है। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट वेदर कंडीशंस की, अगर हम बात करें हमारे सैफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए तो परफेक्ट वेदर कंडीशंस जो हैं वो हैं ड्राई समर एंड रेनी डेज, ठीक है। ड्राई समर की भी ज़रूरत पड़ती है और रेनी डेज़ की भी ज़रूरत पड़ती है हमें किस चीज़ के लिए, कल्टीवेशन ऑफ सैफ्रॉन के लिए। सैफ्रॉन जो है ये कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप से क्या मतलब है कि जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर हम अदर नेम्स की बात करें, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया सेफ्रॉन क्रोकस, उसी तरह तरीके से इसके और भी कुछ नाम है, जैसे कंग हो गया, जेफ्रॉन हो गया, कंग पोषक हो गया। इम्पॉर्टेंट नेम है ये पूछे जा सकते हैं आपको। तीन नाम मेंशन कर दिए जाएंगे, फोर्थ वन जो होगा वो आउट ऑफ सिलेबस रहेगा, तो आपका आंसर वही रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से कौन सा नाम जो है सेफ्रॉन का नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो है कंग, जेफ्रॉन एंड कंग पोषक। ओके, सेफ्रन पार्क की बात करें तो सेफ्रन पार्क जो है, जिसे इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सेफ्रन ट्रेड सेंटर भी बोला जाता है, IIKSTC, इंडिया इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सेफ्रन ट्रेड सेंटर, उसे सेफ्रन पार्क भी बोला जाता है, कहाँ पे है ये है हमारा दुसू विलेज पाम्पोर में, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में। क्योंकि मैंने पहले बताया ना, पाम्पोर में ही सबसे हाई ग्रेड वैरायटी जो सेफ्रन की है वो कल्टिवेट की जाती है, तो पंपोर का एक विलेज है दुसू, जिसे जहाँ पे क्या है एक सेफ्रन पार्क है, जिसे क्या बोला जाता है इंडियन इंटरनेशनल कश्मीर सेफ्रन ट्रेड सेंटर बोला जाता है। तो कहाँ पे हमारा दुसू, पंपोर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अगर हम बात करें इंडिया की तो सेफ्रन कल्टिवेशन को क्या बोला जाता है, गोल्डन जेस्ट भी बोला जाता है। इंडिया में सेफ्रॉन कल्टीवेशन को क्या बोला जाता है, गोल्डन जेस्ट बोला जाता है। सेफ्रॉन को जो है GI टैग भी मिला, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, कब मिला ये, मई 2020 में सेफ्रॉन को GI टैग भी मिला। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड है, क्या है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड, बट जो सबसे अच्छी वैरायटी सेफ्रॉन की है वो इंडिया ही प्रोड्यूस करता है, कहाँ से, हमारे कश्मीर से। ठीक है, वैसे इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेफ्रॉन इन द वर्ल्ड है। अगर हम एंशंट संस्कृत की बात करें तो लिटरेचर की बात करें तो सेफ्रॉन को बहुकंभी बोला जाता था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, आप याद रखेंगे एंशंट संस्कृत लिटरेचर में सेफ्रॉन को किस नाम से जाना जाता था, बहुकम के नाम से जाना जाता था। अगर हम सेफ्रॉन की टाइप्स की बात कर लें तो टाइप्स में कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो हमारे पास रहती हैं वो रहती हैं लच्छा सेफ्रॉन, मोंगरा सेफ्रॉन एंड गुच्ची सेफ्रॉन। ये तीन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हमारी, किसकी, हमारी सेफ्रॉन की। कौन कौन सी, लच्छा सेफ्रॉन, मोंगरा सेफ्रॉन एंड गुच्ची सेफ्रॉन। ओके, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्रॉप की तरफ जो हमारा आते थे, ज्वार एंड बाजरा। ये भी हमारा क्या है, खरीफ क्रॉप है, जैसे मैंने पहले बताया, सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, जून जुलाई से सितंबर अक्टूबर रहेगा हमारा ये भी ज्वार एंड बाजरा। ज़्यादातर कहाँ ग्रो किया जाता है, जम्मू रीजन में ही किया जाता है, जैसे सांबा, कठुआ, कांडी एंड हीरानगर, जो जम्मू रीजन के कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे ही इनको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, जहाँ के लोग इसे क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। शुगर केन की हम बात करें तो शुगर केन भी हमारा एक खरीफ क्रॉप रहेगा। ठीक है, जो ज़्यादातर कहाँ पे सोन किया जाता है, हमारे अखनूर वाले एरिया में, RSपुरा, कठुआ और जम्मू वाले एरिया में। और अगर हम बात करें कठू कटरा के कुछ स्लोप्स पे भी इसे क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। और कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में हमारा शुगर केन ग्रो नहीं होता, क्योंकि शुगर केन के लिए जो हमें क्लाइमेट चाहिए बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए होता है। और कश्मीर का क्लाइमेट आपको पता है उतना ज़्यादा वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट नहीं रहता है एज़ कम्पेयर टू द जम्मू रीजन, तो इसलिए जो हमारा शुगर केन है ये ज़्यादातर जम्मू रीजन में ही ग्रो किया जाता है, जैसे कि अखनूर, RSपुरा, कठुआ एंड जम्मू और स्लोप्स ऑफ कटरा में भी, आपको फोटो भी दिख रही होगी शुगर केन की, और आपने देखा भी होगा ज़्यादातर शुगर केन जो है जम्मू रीजन में ही आपको मिलेगा, इसका जूस वूस भी पीने जाते होंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम पल्सेस की तरफ। ठीक है, दालें हमारी जैसे राजमा हो गया, बाकी दालें भी आप बहुत सारी यूज़ करते हैं, इसके लिए भी जो हमारे पास क्लाइमेट चाहिए वो कैसा चाहिए, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए। हॉट क्लाइमेट जम्मू रीजन का ही रहेगा ज़्यादा, आपको पता है, इसलिए जम्मू में ही ज़्यादा दालें क्या की जाती हैं, उगाई जाती हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो 20 से 27 डिग्री सेल्सियस का हमारे पास टेम्परेचर रिक्वायरमेंट रहता है। रेनफॉल की बात करें तो 25 से 60 सेंटीमीटर का हमें क्या चाहिए, रेनफॉल चाहिए। अगर हम बात करें हमारे पल्सेस की तो कश्मीर वैली बड़ी मानी जाती है इसकी क्वालिटी के लिए। ठीक है, कश्मीर वैली में बड़ी अच्छी क्वालिटी की पल्सेस को उगाया जाता है। राजमा की अगर हम बात करें तो राजमा ज़्यादातर कहाँ ग्रो किया जाता है, हमारी डोडा, भद्रवाह, राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की राजमा जो है बड़ी ज़्यादा फेमस है। कहाँ कहाँ की, हमारी डोडा, भद्रवाह, राजौरी एंड पुंछ की राजमा जो है बहुत फेमस है और यहाँ ग्रो भी की जाती है। अगर हम भद्रवाही राजमा की बात करें, बड़ी ज़्यादा फेमस है, जिसे रेड किडनी बीन भी बोला जाता है, क्योंकि किडनी
कि उस चीज़ के लिए आपने डिलाइटफुल टेस्ट के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। राजमा अगर हम बात करें चिंता वैली ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट की, अगर हम बात करें डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक वैली है जिसका नाम चिंता है, बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की राजमा भी, ठीक है, कहाँ की हमारी चिंता वैली ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद बात करें हम अमरनाथ गन्हार की, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक टाइप का वेजिटेबल रहता है हमारे पास ये। ये कैसे उगाया जाता है, 3-4 बार इसको क्या किया जाता है, प्लॉग किया जाता है ज़मीन को, उसके बाद इसे क्या किया जाता है, उगाया जाता है। लार्जली अगर बात करें तो इसे भी कहाँ उगाया जाता है, हमारे कश्मीर वैली में ही उगाया जाता है, ठीक है। कश्मीर वैली के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं अमरनाथ गन्हार को। उसके बाद आ जाते हैं रबी क्रॉप में, जब हमने खरीफ क्रॉप को क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, तो टाइम आ जाएगा हमारे रबी क्रॉप का जो स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर नवंबर से, एंड हार्वेस्ट कब करेंगे हम इसको, अप्रैल टू जून में इसको हम क्या करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे। इसकी कुछ एग्जांपल्स की हम बात कर लें तो व्हीट, बार्ले, पीज, मस्टर्ड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे किसकी, हमारे रबी क्रॉप की, जैसे मैंने पहले बताया इसे विंटर क्रॉप भी बोला जाता है, ओके। उसके बाद हम वीट पे आ जाते हैं, स्टेपल फूड रहता है हमारे जम्मू के लोगों का, जैसे राइस था स्टेपल फूड हमारे कश्मीर के लोगों का, वैसे ही स्टेपल फूड है हमारे जम्मू के लोगों का, कौन सा, वीट। अब कंफ्यूज मत होना, जो मैंने मेज़ की बात की थी, मेज़ जो है हिली एरियाज ऑफ जम्मू रीजन, मेज़ ओनली हिली एरिया ऑफ जम्मू रीजन जो है वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड है, जैसे पुंछ, रजौरी है ना, उधमपुर हो गया, डोडा हो गया, बट जो वीट है ये पूरे जम्मू रीजन का, स्पेशली हम जम्मू की बात करें, जम्मू के लोग जो हैं, जम्मू के पीपल जो हैं, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ के लोगों को क्या रहता है, स्टेपल फूड रहता है, ठीक है। इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए होता है, कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में हमें कैसा क्लाइमेट चाहिए, कूल और मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, जो आपको सितंबर अक्टूबर में मिल जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। उसके बाद वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम, जो आपको मार्च अप्रैल तक मिल जाएगा, तो इसीलिए इसको कब बिगनिंग मतलब इसे सोन कब किया जाता है हमारा, अक्टूबर नवंबर में, हार्वेस्ट मार्च अप्रैल या मई की हम बात करें तो वहाँ पे किया जाता है। एवरेज रेनफॉल की हम बात करें तो एवरेज रेनफॉल जो रहना चाहिए इसके लिए वो 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। और अगर हम सॉइल की बात करें तो हमारी सॉइल की कैसी ज़रूरत है हमें, हमें फर्टाइल लोमी और क्लेई सॉइल रिक्वायर्ड रहती है हमारी किस चीज़ के लिए, हमारी जो हम बात करें किसकी, हम अपने वीट की, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कठुआ, आरएस, पूरा सांबा, रियासी और उधमपुर, ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरिया आ जाते हैं जम्मू रीजन, क्योंकि मैंने बताया ना जम्मू रीजन का ये क्या स्टेपल फूड भी है, तो कठुआ आरएस जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आसपास वाला एरिया आपको मिलेगा, कठुआ हो गया, आरएसपुरा हो गया, सांबा हो गया, रियासी हो गया, उधमपुर हो गया, ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स आ जाते हैं। अगर हम कुछ वैरायटीज़ की बात करें, इम्पॉर्टेंट वन वैरायटीज़ की बात करें तो शालीमार वीट, कैलाश, ठीक है, सिंगचेन या मानसरोवर, ये कुछ वैरायटीज़ हैं हमारे वीट की जो कहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस की जाती हैं। एक बार फिर से रिपीट करवा रहा हूँ, शालीमार वीट वन, कैलाश, सिंगचेन, मानसरोवर, कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं हमारी वीट की जो कहाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे ऑयल सीड्स के ऊपर, ये आपको दिख रहे होंगे हमारे ऑयल सीड्स जिन्हें ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। ऑयल सीड्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट वन रेप सीड्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, टोरिया हो गया, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जो रबी क्रॉप में आ जाते हैं। और कुछ खारिफ की बात करें तो कॉटन सीड्स और सीजैम, ये कब उगाए जाते हैं, खारिफ क्रॉप है तो मतलब समर्स में उगाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आप चीज़ें याद रखेंगे, ये 3 हमारे रबी में आ जाते हैं, ये 2 खारिफ में आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑयल सीड्स हैं जो कश्मीर में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। ऑयल सीड्स जो हैं ऑल ओवर द कश्मीर प्रोविंस क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। अगर हम चीफ ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की बात करें तो अनंतनाग और श्रीनगर जो हैं ये चीफ सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये था बच्चों आज का टॉपिक, होप आप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। हमने अपनी तरफ से हर एक चीज़ इसमें कवर करने की कोशिश की है, इसमें हम फिर से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हॉर्टिकल्चर वाला पार्ट जैसे कि एप्पल, वॉलनट वगैरह जिन फ्रूट्स को हमने इसमें इन्वॉल्व नहीं किया उसमें हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम सारी की सारी पीडीएफ्स को शेयर करते हैं। साथ में अगर हम बीएड वाला कोई स्टूडेंट भी हमें देख रहा है तो हम बीएड की वीडियोज़ भी इसी चैनल पर अपलोड करते हैं।